ब्राजील ने बनाया कोरोना का नया रिकॉर्ड, पिछले 24 घंटे में 1.15 लाख नए केस। दस जुलाई को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत, डीएम सुहास एलआई ने दिया आदेश। मध्य प्रदेश में फिर बना वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड, एक दिन में लगी 11 लाख से ज्यादा वैक्सीन। आज फिर पड़े पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल 26 पैसे, डीजल 7 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। जम्मू कश्मीर पर पीएम की सर्वदलीय बैठक, दोपहर 3 बजे पीएम मोदी करेंगे बैठक, बैठक में शामिल होंगे 8 पार्टियों के 12 नेता। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत उत्तर प्रदेश की खास खबरों के साथ। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने सरकारों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 40 केस हैं। ये 40 केस 8 राज्यों में पाए गए हैं। ये राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जम्मू और कर्नाटक है। केंद्र सरकार ने कहा कि डेल्टा प्लस वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, इसलिए राज्यों को सतर्क रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि मोटे तौर पर दोनों भारतीय टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी है, लेकिन वो किस हद तक और किस अनुपात में एंटीबॉडी बना पाते हैं, इसकी जानकारी बहुत जल्द साझा की जाएगी। तो डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर खतरा मंडरा रहा है, जिसको लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि जो वैक्सीन है वो कितनी प्रभावी है, प्रभावी तो है, लेकिन किस हद तक प्रभावी है इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है, जिसकी जानकारी बहुत जल्द साझा करी जाएगी कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन किस हद तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के खिलाफ एंटीबॉडी बना पा रही है। तो 40 केस 8 राज्यों में पाए गए हैं, बड़ी खबर। तो वही इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ संवाददाता अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, 40 केस डेल्टा प्लस के पाए गए हैं। जी बिल्कुल कीर्ति, आपसे बताना चाहेंगे कि डेल्टा प्लस के वेरिएंट के बाद से कम 8 ऐसे राज्य हैं जहां पे कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को देखा गया, जिसमें महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है और जम्मू कश्मीर है। जैसे कि पहले भी आपको मालूम हो कि कोरोना की दूसरी लहर में ज्यादा कोरोना के केसेस महाराष्ट्र में देखे गए थे। उसी क्रम में देखें तो महाराष्ट्र में 21 केस हैं, मध्य प्रदेश में 6 ऐसे केस हैं, केरल और तमिलनाडु में 3-3 ऐसे केस हैं, बाकी राज्यों में भी 1-1 वेरिएंट देखा गया है। इसी को लेते हुए कहीं ना कहीं सरकार ने तमाम मीटिंगें की और उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट जारी किया। जी चेताया भी जा रहा है अभिषेक कि जिस तरह से डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है वो नया वेरिएंट है और ये कितना असरदार होगा वैक्सीन पर, कितना प्रभावी है लोगों को बचाने के लिए, इस पर भी अभी कहीं ना कहीं प्रशिक्षण चल रहा है। देखिए, इसमें भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पूरी टीम पे, क्या कहते हैं, पूरे मामले पे ध्यान दिया, जिसके बाद से ये चीज क्लियर की गई है कि कोवैक्सीन और क्या कहते हैं कोविशील्ड इसके लिए कारगर साबित होगी, जिसके लिए तमाम मीटिंगें हुई हैं। इस बात को अब आम जनता तक भी भेजा जा रहा है कि वैक्सीनेशन को इसी में बढ़ावा देना जरूरी है, क्योंकि डेल्टा प्लस वेरिएंट के लिए कोवैक्सीन और कोविशील्ड काफी कारगर सिद्ध होगी। तैयारियां की जा रही हैं इस वेरिएंट को लेकर, अभी कुछ इस बारे में खबर सामने आ रही है। बिल्कुल, सभी को आपको मैंने बताया कि महाराष्ट्र और केरल के बाद ये क्या कहते हैं इस मामले की जानकारी होने के बाद यूपी में हाई अलर्ट जारी किया गया, जिसके बाद से तमाम ऐसी मीटिंगें हो रही हैं, मुख्यमंत्री वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं और इसको तीसरी लहर से भी जोड़ा जा रहा है कि यही तीसरी लहर हो सकती है, इसलिए इसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं, सारे बेड ओके किए जा रहे हैं, सारे प्रदेश के हॉस्पिटलों में और जिलों के हॉस्पिटलों में इसके लिए अलर्ट जारी किया गया है कि सारी तैयारियां, ऑक्सीजन की कमी ना हो, किस तरह की कोई वेंटिलेटर की कमी ना हो, तमाम तैयारियां की जा रही हैं उत्तर प्रदेश सरकार की। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। सोनभद्र के शक्तिनगर थाना क्षेत्र के एनसीएल खड़िया माइंस में खड़िया प्रोजेक्ट में मलबा ढहने से 3 बच्चों की मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच में जुट गई है। पुलिस ने एनसीएल खड़िया के माइंस क्षेत्र के नाले से 3 बच्चों का शव निकाला। बता दें कि शौच के लिए घर से 4 नाबालिग बच्चे निकले थे, चौथे नाबालिग बच्चे का इलाज अस्पताल में जारी है। तो परिजनों में कोहराम मच गया। सोनभद्र की हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां मलबा ढहने से 3 बच्चों की मौत हो गई, वहीं चौथे का इलाज अस्पताल में जारी है।
संभल के हयात नगर थाना क्षेत्र में कई दिनों से लगातार बारिश की वजह से एक मुर्गा फार्म ढह गया, जिससे 4000 मुर्गे मर गए। वहीं इस हादसे में 8 लोग भी नीचे दब गए हैं। गनीमत रही कि किसी को गंभीर चोटें नहीं आई। तो मुर्गा फार्म में ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर 1000 मुर्गों की मौत की खबर आ रही है। संभल में बता दें कि इस हादसे में मलबा गिरने के चलते 4000 मुर्गे दब कर मर गए, वहीं 8 लोग भी नीचे दब गए। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के बड़े रैकेट के पकड़े जाने से हड़कंप मच गया है। अब डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के प्रभार वाले रायबरेली में लव जिहाद का जिन बाहर आ गया है। यहां एक मुस्लिम अधेड़ व्यक्ति ने अपनी धार्मिक पहचान छुपाकर हिंदू विधवा महिला से रायबरेली के मनसा देवी मंदिर में शादी कर ली। उसके साथ गंदागंज के चोखदार का पुरवा गांव में रहने लगा और शादी की बाद उसकी महिला को पता चला कि उससे शादी करने वाला व्यक्ति मुस्लिम है। इसके बाद कथित पति ने महिला का उत्पीड़न शुरू कर दिया, उसके जेवर बेच दिए। महिला ने बुधवार को लालगंज कोतवाली में इसकी शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना लालगंज पर एक महिला द्वारा यह तहरीर दी गई कि वह एक विधवा है और मोहम्मद गब्बर नाम के व्यक्ति ने खुद अपना नाम बउआ लोध बताते हुए उससे शादी की। शादी के कुछ दिन बाद उसके गहने बेच दिए और उससे मारपीट करने लगा। इस तहरीर पर लालगंज थाने में अभियोग पंजीकृत कर आरोपी को गिरफ्तार कर। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पिछले दिनों हुई बारिश का असर संगम नगरी प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। यहां पर गंगा नदी का जलस्तर पिछले 3 दिनों के भीतर अचानक लगभग 1 मीटर के करीब बढ़ा है, जिसके कारण घाटों पर रहने वाले तीर्थ पुरोहित, नाविक और फेरी वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तेजी से गंगा के में बढ़ने पानी के चलते घाटों पर कटान भी देखने को मिल रही है। अचानक बड़े जलस्तर ने तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। संगम पर रहने वाले नाविकों का मानना है कि जिस तरीके से अचानक पानी गंगा में बढ़ा है, उससे आने वाले दिनों में यहां पर रहने वाले जो तमाम नाविक हैं, तीर्थ पुरोहित हैं और फेरी वालों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और तटीय इलाके यहां पर थोड़ा सा गवर्नमेंट को एक पॉलिसी मेंटेन करना चाहिए कि संगम क्षेत्र है तो यहां पर जो है जो स्थानीय जो निचले इलाके हैं वहाँ पर जो है उनको एक स्थायी प्रावधान करके बांध का निर्माण करना चाहिए। जो ये हमेशा की जो समस्या है, जो बाढ़ से आदमी क्षतिग्रस्त रहता है, जो हमेशा वो रहते हैं, तो उस कम से कम अगर बांध बनेगा तो गवर्नमेंट इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दे। मैं स्पष्ट रूप से लखनऊ के मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर और उनके बेटे आयुष किशोर पर अंकिता के पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को बीजेपी सांसद और उनके परिवार के लोगों ने अगवा कर लिया। लड़की के पिता ने कहा कि लखनऊ जिला न्यायालय में बीती 16 तारीख को वो पेशी के लिए आई थी। इसके बाद अंकिता अपनी बड़ी बहन के बेटे के घर आगरा बर्थडे पार्टी में जा रही थी, उसी दौरान उसे अगवा किया गया। अब उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आयुष की पत्नी अंकिता के परिजनों का कहना है कि अंकिता का फोन 4 बजे से बंद आ रहा था। परिजन मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाना चाहते हैं, अंकिता को बचा लिया जाए नहीं तो उसकी हत्या हो जाएगी, इस तरह की खबर सामने आ रही है। परिजनों का कहना है कि अंकिता ने अपनी बड़ी बहन को मैसेज भी भेजा था। परिजनों की तरफ से जारी किए गए उस मैसेज में लिखा है कि आयुष ने जगह बदल दी है, अब वो दिल्ली के लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के पास उसे ले गए हैं। अंकिता के पिता की माने तो उनकी बेटी कई दिनों से गायब है, इसलिए वो मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी बेटी को बचा लिया जाए। वहीं इसको लेकर कौशल किशोर ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मुझे जैसा न्यूज़ चैनल के माध्यम से और अपने सम्माननीय संवाददाताओं के माध्यम से पता चला है कि आशीष सिंह ने कोई खिलाफ़ एप्लीकेशन दी है, जिसमें हमारे ऊपर अपनी लड़की अंकिता का किडनैपिंग का आरोप लगाया है। ये पूरी तरीके से फर्जी है, हमारा कोई लेना देना नहीं है आयुष से भी और ना अंकिता से। वो दोनों लोग खुद अपनी मर्जी से शादी किए थे, बीच में विवाद उनका हुआ था, फिर दोनों एक साथ रह रहे हैं। अपनी मर्जी से वो उनके साथ रह रही है और आयुष वो दोनों एक साथ रह रहे हैं।
ये पूरी जो एप्लीकेशन है या घटना है मनगढ़ंत है और झूठी है। हमारा उस परिवार से भी कोई लेना देना नहीं, आयुष और उसकी पत्नी अंकिता से। आगरा में सामूहिक दुष्कर्म मामले में पीड़िता और उसके पति पर राजीनामा का दबंग दबाव बना रहे हैं। वहीं दबंगों ने राजीनामा नहीं करने पर गांव छोड़ने की धमकी दी है। इसके बाद पीड़िता का परिवार दहशत में है। बता दें कि सुरक्षा की गुहार, पूर्व प्रधान और प्रधान पति के साथियों संग पीड़िता महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। पीड़िता और उसके पति की तहरीर के आधार पर पुलिस ने जांच करने के तहत 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मामला दर्ज कर पुलिस ने महिला का मेडिकल प्रशिक्षण कराया था। इसके बाद आगे की जांच में पुलिस जुट गई है। गलत काम करवा दिया इन्होंने मिलके सब लोगों ने, और डॉक्टर जबरदस्ती धमकी दे रहा है राजीनामा कर नहीं दे, गाली दे रहा है, मेडिकल भी हो गया है, मतलब पुलिस वाले गलत। आगरा के शमशाबाद थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े लूट की वारदात से सनसनी फैल गई। फाइनेंस कर्मियों के साथ बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। प्राइवेट फाइनेंस बैंक के कर्मचारियों के साथ लूट हुई। बैंक बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। 1,60,000 की नकदी लूटकर बदमाश फरार हो गए। वही घटना के बाद पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। तो बदमाशों ने लूट की घटना को दिन दहाड़े अंजाम दिया। ये खबर आगरा से है, जहां फाइनेंस बैंक के कर्मचारियों से लूट की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद बाइक सवार बदमाशों की तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। कानपुर के काकदेव थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। भीख मांगने वाली 8 महिलाओं को अरेस्ट किया गया है। बता दें कि गोद में बच्चा लेकर महिलाएं भीख मांगती थी, वहीं गाड़ियां जबरन रोक कर रुपए देने का दबाव बनाती थी। गिरफ्तार सभी महिलाएं मूल रूप से राजस्थान की है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि इन महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये 8 महिलाओं का पूरा गैंग है जो भीख मांगती थी, गाड़ियां रोक के बच्चों को लेकर गोद में भीख मांगती थी, वहीं गाड़ियों को जबरन रोकने का भी प्रयास किया जाता था। थाना काकादेव की पुलिस टीम ने 8 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। ये बच्चों को गोद में लेकर भिक्षावृत्ति करते हुए पकड़ी गई हैं। मूल रूप से राजस्थान की निवासी हैं, 20 साल से गुजरात के अहमदाबाद में रह रही हैं और वहाँ से कानपुर में आकर ये भिक्षावृत्ति कर रही थी। उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है और इनको जेल भेजा गया है। ये जीन्स इसलिए पहनते हैं जिससे लोग इनको बच्चा चोर ना समझे। कानपुर नगर में संयुक्त विपक्ष मोर्चा पार्टी की बैठक हुई, जिसमें सभी पदाधिकारियों ने एक साथ बैठक कर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ज्ञापन देने की बात कही है, जिसने कहा है कि जिलाधिकारी कानपुर के माध्यम से जन समस्याओं के बारे में बताएंगे और किसानों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। साथ ही पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर भी गिरावट की जाए। जनता बेहाल है और कोरोना काल को देखते हुए जनता को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज जो संयुक्त विपक्ष है हमारे कानपुर शहर का, जिसमें कांग्रेस पार्टी, सपा, लोकतांत्रिक जनता पार्टी, जनता दल, आरजेडी और राष्ट्रीय लोकदल, सीपीआई, सीपीआईएम और तमाम जो संगठन हैं जो यहाँ सक्रिय रहते हैं, तो आज ये लॉकडाउन वगैरह उठने के बाद बहुत दिन बाद हम लोग मिले हैं, क्योंकि जो संयुक्त किसान मोर्चा है उनकी तरफ से एक ऐलान हुआ है कि 26 तारीख को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन तमाम राजभवन में दिया जाए। तो चूंकि उस दिन इत्तेफाक से राष्ट्रपति हमारे ज़िले में है, तो हम लोग यहाँ यही तय कर रहे हैं कि हम लोग अपने ज़िलाधीश को ज्ञापन देंगे कि आप राष्ट्रपति महोदय को पहुँचा दीजिए और हम लोगों की जो भावनाएँ वो बताइए कि किसान 6 महीने से बैठे हैं और हर तरह का मौसम उन्होंने झेला है, 500 मर चुके हैं, उनकी मांगे भी बिल्कुल जायज़ हैं, तो आप राष्ट्रपति का मतलब जो गरिमा है उसका इस्तेमाल करके सरकार पर दबाव बनाइए कि उनको बुला करके बातचीत करें और उनकी मांगों को माने। आज की बैठक का ये उद्देश्य तय हुआ है कि संयुक्त विपक्षी मोर्चे की बैठक है,
जिसमें CPM, CPI, राष्ट्रीय लोकदल, कांग्रेस, सपा और अदर जितनी भी पार्टियां हैं विपक्ष में, वो सभी पार्टियों के पदाधिकारी आए और बैठे। और ये तय हुआ है कि 25 तारीख को माननीय श्री कोविंद साहब जो राष्ट्रपति जी आ रहे हैं, जिनको हम लोग जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन देंगे और उनको ये सुझाव देंगे कि किसानों की मांगों को। कौशाम्बी के बैरौचा गांव में सफाई कर्मी के न आने से सड़क और गलियों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि सफाई कर्मी कभी आते ही नहीं है और कभी आते भी हैं तो प्रधान के घर के सामने सफाई करके चले जाते हैं और पूरे गांव में सफाई ना होने से गांव की नालियां चोक है। नालियों की सफाई ना होने से नाली का गंदा पानी सड़कों पर भरा हुआ है, जिसकी वजह से मंदिर, स्कूल व गाँव में आने जाने वाले राहगीरों को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। कई बार ADO पंचायत अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद भी सफाई कर्मी नहीं आते हैं और ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है। अगर अभी आते भी हैं तो स्कूल और प्रधान के घर के सामने से सफाई करके चले जाते हैं, जिसके चलते ग्रामीण वासी काफी ज्यादा परेशान है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन रायबरेली के हरचंदपुर थाना क्षेत्र पहुंचे। कुछ दिनों पहले चकबंदी के विरोध में ग्रामीणों और पुलिस के बीच महासंग्राम हुआ था, जिसमें पुलिस कर्मियों के साथ साथ ग्रामीण भी घायल हुए थे। बता दें कि ग्रामीणों ने सत्ताधारी नेता पर जबरदस्ती जमीन कब्जाने का आरोप लगाया था। वहीं गांव पहुंचने पर सुनील साजन ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है, कहा है कि सरकार में पुलिस और माफियाओं का गठजोड़ है, लेकिन इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी गरीबों की जमीन के लिए लड़ाई लड़ेगी। तो पुलिस और माफियाओं का गठजोड़ बताया है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। रायबरेली पहुंचे थे, जहां पर लोगों की समस्याओं को सुनते हुए उन्हें तो आश्वस्त किया है कि जल्द ही उनकी खामियों को सही कर दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम TV।